हेलो कैडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। आज की इस वीडियो में हम फिर नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स। इसमें से कई बार एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। इसके पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए इन्फेंट्री बटालियन। एक इन्फेंट्री बटालियन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक इन्फेंट्री बटालियन की कंपोजिशन क्या होती है। एक इन्फेंट्री बटालियन में 21 ऑफिसर्स, 41 जेसीओ और 782 अदर रैंक होते हैं। 21 ऑफिसर्स, 41 जेसीओ, 782 अदर रैंक्स। ये कंपोजिशन फिक्स नहीं है, आज से कुछ साल पहले शायद ये कंपोजिशन नहीं होगा या आज से कुछ साल बाद भी ये कंपोजिशन नहीं होगा, ये टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। कई बार जहां पे यूनिट पोस्टेड होती है उसके हिसाब से भी ये कंपोजिशन बदलता रहता है। कई बार कुछ लोग हमारी यूनिट के साथ आगे अटैच हो जाते हैं, कुछ लोग यूनिट से बाहर कहीं और चले जाते हैं और दूसरी फॉर्मेशंस में सर्व करने चले जाते हैं। ओके, लेकिन अमूमन हम ये कंपोजिशन पढ़ते हैं। अगर आपके पेपर में भी आता है तो आप ये कंपोजिशन लिख सकते हो। वैसे तो इन्फेंट्री बटालियन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत डीप है, लेकिन इसमें मैंने आपके लिए बस सिग्निफिकेंट या जो एनसीसी के प्रस्पेक्टिव से मेन चीजें हैं वो डाली हैं। आपको हर चीज की नफरी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता रहूंगा कौन सी नफरी आपको याद करनी है, कौन सी आप अगर छोड़ भी दोगे तो हार्डली उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा। ओके, जैसे बटालियन हेडक्वार्टर की नफरी में से हार्डली कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन राइफल कंपनी की नफरी से क्वेश्चन आ सकता है। ये दो नफरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो नंबर आपको जरूर याद रखने हैं। एक तो इन्फेंट्री बटालियन में बटालियन की नफरी क्या होती है और एक राइफल कंपनी की नफरी क्या होती है। बाकियों की नफरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बैक टू क्वेश्चन, इन्फेंट्री बटालियन में सबसे पहले होता है एक बटालियन हेडक्वार्टर जिसमें आर्मी एजुकेशन कोर के हवलदार होते हैं, रनर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, आरपी सेक्शन और भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें कुल 5 ऑफिसर, 3 जेसीओ और 32 अदर रैंक होते हैं। हर एक इन्फेंट्री बटालियन में मुख्यतः 6 कंपनियां होती हैं, हेडक्वार्टर कंपनी, एसपी कंपनी यानी सपोर्ट कंपनी और 4 राइफल कंपनी। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। हर एक इन्फेंट्री बटालियन में एक हेडक्वार्टर होता है, उसके बाद 6 कंपनियां होती हैं, हेडक्वार्टर कंपनी जिसकी नफरी होती है 2 ऑफिसर, 7 जेसीओ, 142 अदर रैंक, मेडिक टीम होती है, ट्रांसपोर्टेशन वाली टीम होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव की टीम होती है और कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है एसपी कंपनी या फिर सपोर्ट कंपनी। सपोर्ट कंपनी में 6 ऑफिसर, 11 जेसीओ, 144 अदर रैंक होते हैं, जिसमें से एक असोल्ट प्लाटून होती है, एक मोर्टर प्लाटून होती है, एक एंटी टैंक प्लाटून होती है, एक घातक प्लाटून होती है जिसको आप घातक कमांडो के नाम से जानते हो, एक सिग्नल प्लाटून होती है और एक रिकॉनिसेंस एंड सर्विलियंस प्लाटून होती है। फॉर्मेशन शायद आपको पता होगा, सबसे छोटा सेक्शन होता है, उसके बाद एक प्लाटून होती है, उसके बाद एक कंपनी होती है और उसके बाद एक बटालियन होती है। अगर इससे आगे भी आप पढ़ना चाहते हो तो बटालियन के बाद एक ब्रिगेड होती है, ब्रिगेड के बाद एक डिवीजन होती है, डिवीजन के बाद एक कोर होती है, कोर के बाद एक कमांड होती है और 7 कमांड मिलके बनाती है इंडियन आर्मी। ओके, तो ये बेसिक सा कंपोजिशन है, आई थिंक आपको ये पता होगा। अगर आपको नहीं पता है देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के आपके साथ ये डिस्कस कर सकता हूँ। इसके बाद देखते हैं सपोर्ट कंपनी, हमने डिस्कस कर लिया। 4 राइफल कंपनी होती है, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। अमूमन इंडियन आर्मी की हर एक इन्फेंट्री बटालियन में इसी नाम से होती है, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, जिसमें 3 प्लाटून होती है नॉर्मल इन्फेंट्री मैन की, एक एमएमजी सेक्शन होता है यानी मीडियम मशीन गन और एक एजीएल सेक्शन होता है यानी ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। ओके, आई होप अभी आपको पता लग गया होगा कि एक इन्फेंट्री बटालियन की बेसिक सी कंपोजिशन क्या है। आगे देखते कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इन्फेंट्री बटालियन की क्षमताओं के बारे में लिखिए कि इन्फेंट्री बटालियन की कैपेबिलिटीज क्या है। सबसे पहली कैपेबिलिटी है सेल्फ रिलायंस, यानी वो आत्मनिर्भर है। इन्फेंट्री बिना किसी बाहरी मदद के दुश्मन से लड़ने के लिए सुसज्जित, प्रशिक्षित और संगठित है, यानी इक्विप्ड है, ट्रेंड है और ऑर्गेनाइज्ड है टू फाइट विद एनिमी विदाउट एनी आउटसाइड सपोर्ट, बिना किसी बाहरी मदद के। इट कैन फाइट विद एनिमी फॉर लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक दुश्मन से लड़ सकती है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, इन्फेंट्री सोल्जर्स वो सोल्जर्स होते हैं
जो पैदल अपने युद्ध में दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। जितनी भी आप इन्फेंट्री की रेजिमेंट्स बटालियंस के बारे में पढ़ते हो, राजपूत रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट, ये सब क्या है? इन्फेंट्री की बटालियंस है, और यही बटालियंस दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई लड़ती हैं। ओके, उसके बाद आता है एबिलिटी टू होल्ड ग्राउंड, यानी अपनी जमीन पे काबू रखने की क्षमता इन्फेंट्री में होती है। इन्फेंट्री बटालियन कैन होल्ड ग्राउंड इफेक्टिवली विद और विदाउट आउटर सपोर्ट। बिना किसी बाहरी मदद के या बाहरी मदद के साथ भी इन्फेंट्री बटालियन अपनी जमीन को होल्ड करने में सक्षम है। उसके बाद आता है अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। इसका मतलब क्या है? एन इन्फेंट्री बटालियन इज हाईली अडेप्टेबल एंड कैन ऑपरेट ओवर एनी टाइप ऑफ ग्राउंड इन डे और नाइट एंड अंडर एनी डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी एक इन्फेंट्री बटालियन हर परिस्थिति के प्रति अनुकूल है, उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल सकती है, और किसी भी तरीके के ग्राउंड में, चाहे वो रेगिस्तान है, जंगल है, या फिर माउंटेन्स हैं, पहाड़ी इलाका है, उसमें काम करने के लिए सक्षम है। दिनों रात में भी काम करने के लिए सक्षम है, और किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, धूप में, रात में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, हर क्लाइमेटिक कंडीशन में इन्फेंट्री काम करने के काबिल है, सक्षम है। द इन्फेंट्री बटालियन कैन बी रेडिली शिफ्टेड बाय लैंड, सी और एयर टू द बैटल फील्ड। इन्फेंट्री बटालियन को युद्ध के मैदान में धरती के रास्ते, पानी के रास्ते या हवा के रास्ते ले जाया जा सकता है बिल्कुल आसानी से, क्योंकि इनके पास इक्विपमेंट कम होता है, पर्सनल इक्विपमेंट ज्यादा होता है। सपोज अगर हमें एक टैंक की रेजिमेंट बॉर्डर पे शिफ्ट करनी है, 100, 200, 500 किलोमीटर दूर शिफ्ट करनी है, तो हमें एक ट्रेन चाहिएगी जिसके ऊपर हम अपने टैंक लोड करेंगे और फिर वो ट्रेन रवाना होगी। लेकिन इन्फेंट्री के ट्रूप्स को आप ट्रक में ले जा सकते हो, आप किसी की पानी की जहाज में, बोट में, या इंडियन नेवी की मदद से लेके जा सकते हो, या फिर सीधा इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में आप उनको लेके जा सकते हो। अगला है मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी गतिशीलता, यानी आप कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। इन्फेंट्री बटालियन हैज अ हाई डिग्री ऑफ मोबिलिटी, इट कैन गो थ्रू ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स। इन्फेंट्री बटालियंस की मोबिलिटी, गतिशीलता बहुत ज्यादा होती है, और ये किसी भी बाधा को, बीट नेचुरल और मैनमेड, उसको पार करने में सक्षम है। चाहे वो लैंड माइंस हो, किसी रिवर को क्रॉस करना हो, किसी जंगल को क्रॉस करना हो, हर चीज में इन्फेंट्री की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेंड होते हैं और वो उस काम को करने में सक्षम होते हैं। वल्नरेबिलिटी यानी देखो, तो अभी बहुत सारी खूबियां हैं इन्फेंट्री की, लेकिन कुछ एक नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान क्या है, या सबसे बड़ी कमी क्या है एक इन्फेंट्री बटालियन की या इन्फेंट्री सोल्जर्स की? इन बैटल लाइन इन्फेंट्री बटालियन बिकम्स वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ टैंक्स, आर्टिलरी, स्मॉल आर्म्स, एयर अटैक एंड एंटी पर्सनल माइंस। अब पैदल सैनिक का मुकाबला टैंक से करवाओगे तो कहीं ना कहीं पैदल सैनिकों को ज्यादा नुकसान टैंक पहुंचा सकता है। आर्टिलरी यानी तोपची, जब तोप का गोला पड़ता है तो आपको पता नहीं होता वो कहाँ से आएगा, किधर से आएगा, कितने टाइम बाद आएगा, तो आप बहुत वल्नरेबल होते हो कि अगर तोप का गोला आके हमारे ऊपर गिरता है तो हमें नुकसान ज्यादा हो सकता है। स्मॉल आर्म्स, एयर अटैक, एंटी पर्सनल माइंस, इन सब से इन्फेंट्री को खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आप इन्फेंट्री के बारे में और जानना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने इन्फेंट्री को बिल्कुल प्रॉपर मैनर में, इंडियन आर्मी कितनी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स है, इन्फेंट्री का काम क्या होता है, वो सब मैंने इसमें कवर किया है। अब बात करते हैं कंपनी सपोर्ट वेपन्स की। कई बार हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि कंपनी सपोर्ट वेपन्स लिखिए, बटालियन सपोर्ट वेपन्स लिखिए, तो आज की इस वीडियो में हम वो सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 7.62 mm डेग्नू स्नाइपर राइफल। किसी भी वेपन की डिटेल आपको याद नहीं करनी है, ना वो पेपर में आने वाली है। हार्डली किसी भी वेपन की डिटेल्स आपके पेपर में आएंगी। तो राइफल का नाम क्या है? 7.62 mm ट्रेग्नू स्नाइपर राइफल। ये राइफल है, आपने कई बार आर्मी के फोटोज में देखी भी होगी। कैलिबर 7.62 यानी कुतर, रेंज 800 मीटर। जब उसके ऊपर टेलीस्कोप लगा देते हो तो रेंज 1300 मीटर तक फायर करने में सक्षम हो जाती है। वेट है लगभग 3.5 किलो, 4.3 kg। मैगजीन कैपेसिटी 10 राउंड, यानी एक बार मैगजीन में कितनी गोली आ सकती हैं? 10। इसके बाद आती है 7.62 mm मीडियम मशीन गन।
अगर आपको याद हो, जब हमने चार राइफल कंपनी की कंपोजिशन पढ़ी थी, तो उसमें एक सेक्शन एमएमजी का भी था। तो ये वही सेक्शन है जो एमएमजी को लेके चलता है। एमएमजी स्टैंड्स फॉर मीडियम मशीन गन। इसका भी कैलिबर कितना है? 7.62। डिटेल्स आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। वेट कितना है राइफल का या गन का? 14.2 kg। अब आप सोच सकते हो, एक इन्फेंट्री सोल्जर इस गन का, ट्राइपॉड के अलावा, इस अकेली बंदूक का वजन कितना है? 14.2 kg। उसके साथ उसका खाना, राशन, ये वो सब भी होता है और वो ही लेके चलता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ हार्ड इट इज, एक फौजी होना कितना मुश्किल होता है। ट्राइपोड 10.2 kg, यानी ये जो स्टैंड है, ये जो आपको तीन टांगों वाला स्टैंड दिख रहा है ट्राइपोड, इसका अकेले का वजन कितना है? 10.2 kg। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे 24.4 kg, इतना वजन हो जाएगा पूरी राइफल का। ओके, बोल तो पूरी राइफल को एक सिंगल बंदा लेके नहीं चलता है, अलग अलग लेके चलते हैं। फिर भी आप सोच सकते हो कि कितना सोफिस्टिकेटेड होता है, कितना हार्ड होता है वहां पे सर्वाइव करना, बैटल फील्ड में सर्वाइव करना। इफेक्टिव बैटल रेंज 1800 मीटर तक फायर करती है। नंबर ऑफ राउंड इन अ बेल्ट, एक बेल्ट में कितने? 335 राउंड होते हैं। रेट ऑफ फायर कितना है नॉर्मल में? 100 राउंड पर सेकेंड, यानी 100 गोलियां प्रति मिनट। रैपिड में 200 गोलियां प्रति मिनट और साइक्लिक में 500 से 1000 गोलियां प्रति मिनट। उसके बाद आता है 30 mm AGL ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। डिटेल्स आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखने हैं। 30 mm, 30 mm भी याद रखते हो तो वेल एंड गुड, आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर 30 mm भी याद नहीं रहता, आपको कुतर याद नहीं रहता है, तो एटलीस्ट नाम लिख दीजिए। AGL ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर होता है, एक MMG होती है, एक स्नाइपर राइफल होती है। इस तरीके से इसका वेट होता है 18 kg। माउंट, जिसपे माउंट होता है, यानी माउंटिंग स्टैंड या स्टेशन का वेट होता है 12 kg। साइट 1 kg बिना केस के, तो वो केस के अंदर बंद रहती है, तो 3.5 kg तो इसकी साइट का वजन होता है, यानी जिससे आप एम करते हो। गन बॉक्स 14.5 kg विद 29 ग्रेनेड्स इन वन बेल्ट। साइट विद केस 3.5 kg, हमने अभी देखा है। रेंज 800 से 1700 मीटर विद एंड विदाउट साइट। रेट ऑफ फायर है 50 ग्रेनेड प्रति मिनट। रैपिड में 100 ग्रेनेड प्रति मिनट और साइक्लिक में 350 से 400 ग्रेनेड प्रति मिनट। ये वो ग्रेनेड नहीं होते जो ऐसे वो पिन निकाल के फेंकते हैं, ये अलग तरीके के ग्रेनेड्स होते हैं। अगर आपने MMG की या HMG की गोलियां देखी होंगी तो उससे थोड़े से बड़े होते हैं। 84 mm RL, जिसको रॉकेट लॉन्चर भी बोलते हैं। डिटेल्स अगेन आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपने कई बार देखा होगा। इवन कैलिबर इसका 84 mm है। वेट 16 kg है विद टेलीस्कोपिक साइट। लेंथ 1065 mm यानी 106 cm। रेंज HE80 यानी हाईली एक्सप्लोजिव एंटी टैंक। इसमें अलग अलग तरीके के एमिनिशन डलते हैं, उनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। दिस HE80 स्टैंड्स फॉर हाईली एक्सप्लोजिव एंटी टैंक। इसकी रेंज होती है 400 मीटर मूविंग टारगेट, यानी अगर हमारा टारगेट एक जगह से, जैसे कोई बंकर है, तो वो 500 मीटर दूर भी है तो भी उस बंकर को ये बर्बाद कर सकता है। HE यानी हाईली एक्सप्लोजिव, 100 मीटर किलिंग एरिया, 10 मीटर यानी जहां पे भी फटेगा उसके आजू बाजू 10 मीटर की जगह में सब कुछ बर्बाद कर देगा। स्मोक ग्रेनेड 1300 मीटर विड्थ 15 मीटर, यानी स्मोक ग्रेनेड जब धुआं करना होता, आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, जब दुश्मन आपके पीछे होता है और आपको तेज कहीं छुपना होता है, तो आप स्मोक ग्रेनेड डाल देते हो, उससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और आप दुश्मन की विजिबिलिटी से बाहर निकल आते हो। इल्यूमिनेशन यानी रोशनी करने वाले राउंड। कई बार जब भी आपको युद्ध के मैदान में रात को दुश्मन को स्पॉट करना होता है, दुश्मन छुपा हुआ है ना, फायर कर रहा है, तो आप क्या करते हो? इल्यूमिनेशन राउंड फायर करते हो। उससे कुछ सेकंड के लिए बहुत ज्यादा रोशनी, दिन के जैसी रोशनी हो जाती है। जैसे इसमें क्या दिया है, 400 से 500 मीटर के डायमीटर में 30 सेकंड के लिए। ओके, यानी 30 सेकंड के लिए बिल्कुल
जैसे सूरज आ जाता है ना उस तरीके की, बिल्कुल सब कुछ क्लियर दिखाई देता है आपको रात के टाइम भी, इतनी रोशनी करता है और 2100 मीटर तक फायर कर सकता है। रेट ऑफ फायर मैक्सिमम सस्टेंड 6 राउंड पर मिनट। टाइप ऑफ एमिनेशन अभी हमने बात की, हीट, हाईली एक्सप्लोजिव, HEAT, सॉरी हीट वो वाला हीट नहीं है, हाईली एक्सप्लोजिव एंटी टैंक। उसके बाद स्मोक, इल्यूमिनेशन, थereafter आर्मर पेनिट्रेशन 400 mm, यानी किसी भी आर्मर के अंदर घुस जाएगा, किसी भी लोहे के जैसे टैंक है टैंक के अंदर घुस जाएगा 400 mm यानी 40 सेंटीमीटर तक। बैक ब्लास्ट, बैक ब्लास्ट क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। 15 मीटर एरिया में बैक ब्लास्ट, इसको बोलते हैं बैक ब्लास्ट, यानी जब भी आप RL फायर करते हो उसके पीछे 15 मीटर तक, ऐसा बोला जाता है अगर हरा दरख्त भी है, हरा पेड़ भी है, उसमें भी आग लगाने की सक्षम होता है ये बैक ब्लास्ट, इतना तगड़ा होता है। तो आप हमेशा देखोगे जब भी RL फायर होता है बडी हमेशा साइड में खड़ा रहता है। देखो मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। या इसमें आपने आपको दिखा होगा कि बैक ब्लास्ट कितना ज्यादा था, यहां तक बैक ब्लास्ट आ रहा है इसका। अगेन देखिए, ये राउंड फायर गया, ये इधर से राउंड चला गया और बैक ब्लास्ट कितना ज्यादा था, देखो यहां तक, इसके भी पीछे तक बोल दो। बडी हमेशा साइड में खड़ा रहता है क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, आग निकलती है, तो कोई भी उधर खड़ा होगा वो जल जाएगा तुरंत। इसके बाद बात करते हैं बटालियन सपोर्ट वेपन्स की, ये हमने पढ़े हैं कंपनी सपोर्ट वेपन्स, अभी हम बात करेंगे बटालियन सपोर्ट वेपन्स की। सबसे पहले आता है 81 mm मोर्टार्स, एक 51 mm मोर्टार भी होता है लेकिन अभी हम 81 mm मोर्टार के बारे में बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो मोर्टार प्लाटून हमने स्पोर्ट कंपनी में पढ़ी थी, तो ये उसी प्लाटून का हिस्सा होते हैं मोर्टार्स, ऐसे दिखने में होते हैं इस तरीके से। कैलिबर 81 mm है, वेट 40 किलो वेट है बिना साइट के, 4.7 किलो के क्या है साइट विद केस, यानी ये जो चीज दिख रही है आपको इसको बोलते हैं साइट, जस्ट ये जो चीज है इसको बोलते हैं साइट, इसी से आप निशाना लगाते हो, एंगल सेट करते हो। रेंज की अगर हम बात करें तो मिनिमम 68 मीटर, लेकिन 50 पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये हमेशा 90 मीटर या उससे ज्यादा ही फायर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उससे कम फायर करते हैं तो जहां पे इसका बॉम्ब होगा, जो एमनिशन होगा, वो जहां पे जाके ब्लास्ट होगा तो उसके कुछ एक स्प्लिंटर्स हमें भी वापस आके लग सकते हैं, तो इसीलिए हमेशा 90 मीटर या उससे ज्यादा में ही हमें फायर करना चाहिए। मैक्सिमम रेंज कितना है, 5200 मीटर यानी 5 किलोमीटर। रेट ऑफ फायर कितना है पर मिनट, 6 to 8 राउंड, नॉर्मल में 9 to 11 राउंड और रैपिड में 12 से 20 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकता है। मजल वेलोसिटी कितनी है, 305 मीटर प्रति सेकेंड। एलिवेशन लिमिट 45 डिग्री से 85 डिग्री, यानी सपोज ये ग्राउंड है हमारा, यहाँ से 45 डिग्री से लेके और 85 डिग्री तक, यानी 90 से थोड़ा सा कम, यानी अगर ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे हमने अपना एजियर रख रखा है तो 45 डिग्री से लेके लगभग 90 से थोड़ा सा कम 85 डिग्री तक हम इसको सपोर्ट करके फायर कर सकते हैं। ओके, एंगल जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस उतना ही कम होगा, एंगल जितना कम होगा डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ये आर्टिलरी के साथ भी है, ये आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा भी होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये मोर्टार्स के साथ भी है, बट इसके लिए भी मैंने एक वीडियो इंक्लूड की है। देखो इसमें ये सोल्जर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये है एमिनेशन, देख रहे हो कितना बड़ा है, इसमें से ये जो चीज है ये बाहर निकल के फायर होती है और दुश्मन की टेरिटरी में जाके गिरती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आपने देखा होगा कितना तगड़ा बैक फायर करता है, पीछे की तरफ जो ये चीज है नीचे प्लेट के जैसी दिखती है, इसको बेस प्लेट बोलते हैं, तो जब भी ये फायर होता है बेस प्लेट हमेशा चाहे कितना भी हार्ड सरफेस है अंदर घुस जाती है, इवन पथरीला सरफेस है पत्थर को तोड़ देती है, क्योंकि
जो इसका रिकॉइल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगला बटालियन सपोर्ट वेपन है योर एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस तरीके का सिस्टम है। इंडिया में जो एटीजीएम है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है उसको मिलान बोलते हैं। ये इस तरीके का है, आप इधर देख रहे होंगे, इस तरीके का ये सिस्टम होता है। यहाँ पे ये मिसाइल होती है और फायरर इस तरीके से बाजू में लेट जाता है इसके, और यहाँ से देखता है, यहाँ से स्कोप होता है वो देखता है और फायर करता है। आपने कई सारे ऑफिसर्स के या जेसीओज के या इवन सोल्जर्स के अपने इंस्ट्रक्टर्स के चेस्ट पे देखा होगा, नेम प्लेट के ऊपर एक बैज बना रहता है। उस बैज में इस तरीके की एक मिसाइल बनी रहती है, इस तरीके की कुछ। तो वो मिसाइल क्या दर्शाती है कि वो पर्टिकुलर सोल्जर एटीजीएम फायर कर सकता है। डिटेल्स अगेन आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिमम रेंज 75 मीटर, मैक्सिमम रेंज 2500 मीटर, रेट ऑफ फायर 3 मिसाइल प्रति मिनट आप फायर कर सकते हो, हिट प्रोबेबिलिटी 90 to 96% है, एक्यूरेसी 60 सेंटीमीटर अराउंड द पॉइंट ऑफ एम एट मैक्सिमम रेंज, यानी अगर आपको यहाँ पे पॉइंट किया है तो इससे 60 मीटर आजू बाजू हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी अगर आपने यहाँ पे एम किया है तो मैक्सिमम इससे 60 सेंटीमीटर आजू बाजू हो सकता। इसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट द मोस्ट बेसिक वेपन ऑफ अ आर्मी सोल्जर, या एक सैनिक का सबसे मुख्यता या सबसे बेसिक वेपन कौन सा है। तो वो है अभी एट प्रेजेंट टाइम इज 5.56 mm इंसास राइफल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सून या इंडियन आर्मी या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हम कहें तो बहुत जल्द इस वेपन को रिप्लेस करने वाली है और इसकी जगह आ जाएंगी AK-203। अगर आपको पता है AK का फुल फॉर्म क्या होता है देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। कैलिबर 5.56 mm है, इसकी भी डिटेल आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इंसास की डिटेल्स एक दो बार पढ़ के जाना, क्योंकि कई बार इसके वेट पे इसके कैलिबर पे बेसिक बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। लेंथ है विद बेनेट 96 सेंटीमीटर, विदाउट बेनेट सॉरी विद बेनेट 111 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बैरल 464 मिलीमीटर, वेट है विद फिक्स्ड बट विद एम्प्टी मैगजीन 3.6 kg, फिक्स्ड बट विद लोडेड मैगजीन 3.69 kg, फुल मैगजीन 90 ग्राम, बेनेट 305 ग्राम। बेनेट क्या होता है, जो राइफल के आगे चाकू सा लगा रहता है, ओके, उसको बेनेट बोलते हैं। इफेक्टिव रेंज होती है 400 मीटर, साइट रेडियस 470 मिलीमीटर यानी 47 मीटर सेंटीमीटर सॉरी। आपको ये चीज याद रखनी है, इफेक्टिव रेंज एक तो याद रखनी है, बेनेट का वेट याद रखना है, राइफल का वेट याद रखना है, ओके। ये बस दो तीन चीजें बेसिक बेसिक सी याद रख के जाना आप। लेंथ एक बार याद कर लेना, ऑल दो बहुत हार्डली ये आएगी लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन गैस ऑपरेटेड होती है, यानी गैस ऑपरेशन पे फायर करती है। मोड ऑफ फायर सिंगल शॉट और थ्री राउंड ब्रस्ट जिसको TRB भी बोलते हैं। रेट ऑफ फायर नॉर्मल में 60 राउंड पर मिनट, TRB में थ्री राउंड ब्रस्ट में 90 राउंड पर मिनट। तो हमने अभी देखे हैं कंपनी सपोर्ट वेपन्स, वो कौन कौन से होते हैं। 7.62 mm ट्रेग्नू स्नाइपर राइफल, 7.62 mm मीडियम मशीन गन, 30 mm मीडियम मीडियम की जगह ऑटोमेटिक कर लीजिएगा प्लीज, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद 84 mm RL, और भी कई सारे वेपन्स होते हैं जैसे एंटी मटेरियल गन्स होती हैं, लेकिन NCC के लिए बस हमें इतना ही पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप ये भी पूरा पढ़ के जाते हो तो आई कैन गारंटी यू आप कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस करोगे। इसके बाद बटालियन सपोर्ट वेपन 81 mm मोर्टार और मिलान ATGM हमने अभी पढ़े हैं। इफ यू समराइज आवर एंटायर सेशन, तो हमने सबसे पहले देखा कंपोजिशन ऑफ इन्फेंट्री बटालियन, उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्फेंट्री, इन्फेंट्री की काबिलियत क्या है, इन्फेंट्री किस पोजिशन में वल्नरेबल है, उसके बाद कंपनी सपोर्ट वेपन देखे, उसके बाद बटालियन सपोर्ट वेपन देखे, और 5.56 mm इंसास राइफल के बारे में हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो देखनी है, अगर आपको इन्फेंट्री के बारे में और जानना है तो इन्फेंट्री के ऊपर ये बनी वीडियो देख सकते हो, ये मेरे चैनल पे है, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हो।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो. अगर स्टिल आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू. जय हिंद.